बालासोर में शवों के ढेर में अपने बेटे को खोजते हुए इस पिता का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल है। इनका बेटा ट्रेन हादसे के बाद से लापता है। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 288 हो गई है। कुल 1175 लोगों को भर्ती करवाया गया है। इनमें से 793 लोगों को छुट्टी दे दी गई है, जबकि 382 लोगों का इलाज किया जा रहा है। 2 लोगों की हालत गंभीर है और बाकी की हालत स्थिर बताई गई है। दोनों एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में आरक्षित टिकट वाले 2200 से अधिक यात्री सवार थे। पीएम मोदी ने कल घटनास्थल का निरीक्षण करने और पीड़ितों से अस्पताल में मुलाकात करने के बाद कहा कि हादसे के लिए दोषी लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो परिजन हमने खोए हैं वो तो वापस नहीं ले पाएंगे, लेकिन सरकार उनके दुख में, परिजनों के दुख में उनके साथ है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बालासोर में राहत और बचाव का काम लगभग पूरा हो चुका है। मलबा हटाने का काम अपने आखिरी स्टेज में है। एनडीआरएफ समेत बाकी एजेंसियों के हजारों कर्मी पूरी मेहनत से काम में जुटे हैं।